वेलकम स्टूडेंट सुभाष इंग्लिश स्कूल डिजिटल लेक्चर क्लास फोर्थ ईवीएस चैप्टर नंबर 27 चस्किट गोज टू स्कूल। आज हम जो चैप्टर रीड करेंगे वो है चस्किट के बारे में, वो स्कूल जाती है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चस्किट्स ड्रीम, ये चस्किट्स का जो था वो ड्रीम था। टुडे इज द स्पेशल डे ऑफ चस्किट, इट इज द सो स्पेशल दैट लास्ट नाइट चस्किट वुड नॉट इवन स्लीप। चस्किट जो थी वो उसके लिए आज का दिन जो था बहुत ही अच्छा था, स्पेशल दिन था उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो पूरी रात भी नहीं सोई थी। क्यों? क्योंकि वो अब स्कूल जाना चाहती थी। डू यू नाउ व्हाई चस्किट इज़ द 10 ईयर्स ओल्ड बट टूडे शी इज़ द गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर दिस डे सिंस लॉन्ग। चस्किट जो है अब बहुत लंबे समय से रुकी हुई थी, अब वो 10 ईयर की हो चुकी है और वो स्कूल जाना शुरू कर रही है। चस्किट जो है वो 10 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है, अब वो स्कूल जाना चाहती है। उसका जो वो फर्स्ट टाइम जो है स्कूल जाएगी अब, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो इंतज़ार कर रही है कि मैं अब स्कूल जाऊँगी। चस्किट्स स्कूल इज़ द वे नॉट वेरी फेयर फ्रॉम हर हाउस। You have to take the big road and then walk along the lake, cross the rivers near the proper trees and then after a small climb you reach the school. This is the how all the children's house keep put village reach their schools. All the children's but not just kids. Just kids जो है वो स्कूल जाने में पहले ही असमर्थ है कि वो जा नहीं सकती है। उसका घर जो है स्कूल से बहुत ज़्यादा दूर है और जो रास्ता स्कूल का है वो बहुत ही ख़राब है। वहाँ पर बीच में उस रिवर को क्रॉस करना पड़ता है और ये जो रोड है बहुत ही बड़ा है। वहाँ पर बीच में पॉपुलर ट्रीज आती है और ऊपर चढ़ाई के बाद उसको स्कूल पहुँचना पड़ता है। बाकी सारे बच्चे जो है वो आसानी से स्कूल जाते हैं, पर चस्किट जो है वो पहुँचने में बहुत ही उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसमें बताया जा रहा है, देखो आप पिक्चर्स देखेंगे, इसमें बताया जा रहा है कि चस्किट्स के फादर जो है उसको लेकर जाते हैं, तो उसका स्कूल का जो रास्ता है उसको लेक पार करनी पड़ती है, उसके बाद ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता क्रॉस करके वो उसके स्कूल तक पहुँचती है। तो उसको स्कूल पहुँचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसके पैर में जो है कुछ प्रॉब्लम है, इसके कारण वो स्कूल नहीं पहुँच सकती और रोज़ रोज़ जो उसके पापा भी उसको स्कूल छोड़ने इस रास्ते को लेकर नहीं पहुंच सकते हैं। एट फर्स्ट चस्किट डिड नॉट नाउ दैट शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन बट स्लोली शी फाउंड दैट शी कुड नॉट डू द थिंग्स दैट अदर चिल्ड्रन्स कुड। इट वॉज द बिकॉज ऑफ हर लेग्स सिंस बर्थ। चस्किट्स कुड नॉट यूज हर लेग्स। चस्किट जो है वो सारे बच्चों से बिल्कुल ही अलग डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही उसके पैरों में जो है उसको कुछ प्रॉब्लम है और वो चल नहीं सकती है। चस्किट्स चेयर ऑल डेज चस्किट्स यूज टू द सीट नियर द विंडो एंड ड्रॉ द पिक्चर्स। हर मदर्स अम्मा ले सेड दैट द चस्किट मेड द बेस्ट ड्रॉइंग। दिस मेड द चस्किट्स हैप्पी बट चस्किट्स वॉज द हैप्पी वैन अन वन डे हर फादर अब्बा ने गॉट अ चेयर विच हैड व्हील्स। अब उस जो है चस्किट जो है वो पूरा दिन घर में बैठी रहती है एक ही जगह पर सीट पर, क्योंकि वो चल नहीं पाती है, तो एक ही जगह बैठकर वो अपने घर में ड्राइंग या पिक्चर बनाती रहती है। और उसकी मदर जो है उसको बोलती है क्या तुमने जो बनाई है बहुत ही बेस्ट ड्राइंग बनाई है, क्योंकि पूरा दिन वो यही काम करती है, तो उसकी जो ड्राइंग है वो भी बहुत अच्छी हो गई है। और इससे जो उसकी मदर के बोलने से चस्किट जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। यदि कोई उसकी ड्राइंग की तारीफ करता है, उसके पिक्चर की तारीफ करता है, तो वो खुश हो जाती है। अब जो उसके फादर है अब्बा ने उसके लिए एक जो है व्हील चेयर लेकर आए हैं, क्योंकि वो पूरा समय एक ही चेयर पर बैठी रहती थी, उसे यदि कोई उठाता था तो ही वो उस जगह को चेंज कर सकती थी, नहीं तो उसे एक ही जगह पर बैठना पड़ता था। अब उसके फादर जो व्हील चेयर लेकर आ गए तो वो उसकी मर्जी से इधर उधर जा सकती है। मूव इट द बैक एंड द फोर्थ चस्किट वॉज सो हैप्पी बिकॉज नाउ शी डिड नॉट नीड हर फादर टू कैरी हर एवरीवेयर।
When she wanted to go out, she would tell her mother to put her in the wheelchair. Now she could not come outside on her own. उसके फादर जो थे उसके फादर ही जो थे उसको पूरे समय इधर उधर लेकर जाते रहते थे. यदि उसके फादर नहीं होते थे तो वो कहीं भी नहीं जा सकती थी. उसकी मदर जो थी वो घर का काम करती और उसको लेकर कहीं नहीं जा पाती थी, इसलिए उसे एक ही जगह पर रहना पड़ता था. इसके कारण उसके फादर जो थे उसके लिए व्हील चेयर लेकर आ गए थे और उस चेयर को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उस चेयर के कारण वो इधर उधर अब जा सकती थी. चस्किट्स वुड सी द अदर चिल्ड्रंस एवरी मॉर्निंग. दे वुड बी लाफिंग एंड प्लेइंग ऑन देयर वे टू स्कूल. शी वॉज वेस्ट विस्ट दैट शी कुड ऑल्सो गो विथ देम. चस्किट जो थी सारे बच्चों को देखती रोज़ सुबह के बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं, वहाँ पर खेलते हैं और खूब मस्तियाँ करते हैं, पर वो जो थी वो कुछ भी नहीं कर सकती थी. वो सिर्फ एक ही जगह बैठकर उन लोगों को देखती थी. वन डे अब्दुल कम टू हर हाउस विद अ लेटर. व्हेन ही सॉ द चस्किट्स ही आस्क हर व्हाई शी डिड नॉट गो टू स्कूल. चस्किट टोल्ड हिम सैडली आई कैन नॉट वॉक. अब्बा ले कैन नॉट कैरी मी ऑल द वे टू स्कूल एवरी डे. आई कैन नॉट इवन व्हील माई चेयर एज द रोड टू स्कूल इज नॉट लेवल. ऑल्सो नाउ कैन आई क्रॉस द रिवर. एक दिन जो उसका फ्रेंड था अब्दुल उसने उससे कहा कि तुम हमेशा घर पर ही क्यों रहती हो और लेटर लिखती हो, स्कूल क्यों नहीं आती हो. तो बताती है चस्किट कि मैं स्कूल नहीं आ सकती क्योंकि मेरे फादर जो है रोज स्कूल मुझे लेकर नहीं आ सकते लेक उठाकर, और जो स्कूल का रास्ता है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है. उसके कारण मैं मेरी व्हील चेयर पर बैठ कर भी स्कूल नहीं पहुँच सकती हूँ क्योंकि रास्ता पूरा टेढ़ा मेढ़ा है और उस पर व्हील चेयर नहीं चल सकती है. अब्दुल आस्क बट वट यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल इफ़ यू कुल्ड. चस्किट्स वॉज एक्साइटेड. शी सेड ऑफ कोर्स आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू. आई वॉन्ट टू स्टडी एंड प्ले. अब्दुल कहता है उससे कहता है कि तुम भी आओ स्कूल. और तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है कि अब ज़रूर मैं स्कूल जाऊँगी, वहाँ पर मैं भी पढ़ाई करूँगी और साथ में सारे बच्चों के साथ रहूँगी. हर मेमले ग्रैंडफादर स्टॉपेड हर एंड सेड चस्किट्स डू नॉट ड्रीम यू नाउ दैट द दिस इज़ द नॉट पॉसिबल. उसके जो ग्रैंडफादर थे चस्किट्स के, वो नहीं चाहते थे कि वो स्कूल जाए और वहाँ पर पढ़े क्योंकि उन्हें डर लगता था. पर चस्किट जो थी उसका सपना था कि मैं स्कूल जाऊँ, और उसके ग्रैंडफादर जो थे उसे बोलते थे कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, तुम स्कूल नहीं जा सकती हो. अ गुड आइडिया. अब्दुल वेंट बैक फ्रॉम द चस्किट्स हाउस बट ही हैड द स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ हाउ टू गेट चस्किट्स टू स्कूल. अब अब्दुल जो था उसका फ्रेंड था, उसने सोचा कि क्यों नहीं इसको चस्किट को जो है स्कूल जाने के लिए कुछ किया जा सके, इसके लिए कुछ हम करें. तो ही एक्सप्लेन अबाउट द चस्किट्स टू द हेड मास्टर एंड द टॉक टू द टीचर्स टिल दे एग्री विथ हिज थॉट. Now everyone got the together to work so that Chaskid's problem could be the solved. They made a plan so that Chaskid could bring her van wheelchair by road to school. अब जो अब्दुल था उसका फ्रेंड, उसने क्या किया, उसके स्कूल में जाकर उसके हेडमास्टर से बात की, बड़े सर से बात की, टीचर से बात की, और सभी लोग इस चीज़ के लिए एग्री हो गए कि हम कुछ ऐसा करेंगे सब साथ मिलकर जिससे कि चस्किट्स की स्कूल आने की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकल जाए, वो स्कूल आ पाए डेली. उसके लिए उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि वो उसकी व्हील चेयर पर बैठकर सीधे रोड से स्कूल पहुंच जाए. फॉर दिस द अनइवन रोड हैड टू बी अ मेड लेवल. वन ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन स्टार्टेड टू लेवल द रोड एंड अनादर ग्रुप वर्क टू द लेवल द एरिया नियर द रिवर. एक जो ग्रुप था बच्चों का, उन्होंने काम सब सारा शुरू किया और रोड को लेवल में लाना स्टार्ट किया.
जो फर्स्ट ग्रुप था उसने स्टार्ट किया रोड को लेवल में करना, और जो अनादर ग्रुप था उसने जो नियर नदी के पास का जो रास्ता था उसको ठीक करने का सोचा. बट देयर वॉज स्टिल अ प्रॉब्लम. हाउ वुड द चस्केट्स क्रॉस द रिवर? द ओल्डर चिल्ड्रंस टुक हेल्प द फ्रॉम द टीचर्स टू मेक द स्मॉल ब्रिज विथ द वुड अक्रॉस द रिवर. एवरीवन हैप्पीली वर्क हार्ड. दे वॉन्टेड द चस्केट टू कम टू स्कूल. अब जो थे उसके चिल्ड्रन बच्चे और सारे जितने पुराने बच्चे थे सारे बच्चे मिलकर और टीचर्स मिलकर उसके लिए एक ब्रिज बना रहे थे. स्मॉल ब्रिज, एक छोटे से ब्रिज को बनाया उन लोगों ने मिलकर, और ताकि जो चस्केट थी उसका स्कूल आने के लिए, मतलब उसका जो रोड था वो पूरा क्लीन हो जाए. उसके लिए सभी ने मिलकर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया. चस्केट्स अम्माले एंड अब्बाले गेव हॉट टी एंड द बिस्किट्स टू द एवरी वन. चस्केट्स में मेमले हैड द ट्रीट्स इन हीज आइज, नॉट बिकॉज ही वॉज सैड बट बिकॉज ही वॉज द वेरी हैप्पी. उसके अम्मा और अब्बा जो थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, और उन्होंने सभी के लिए चाय और बिस्किट दिए. सभी को चाय और बिस्किट का नाश्ता करवाया, और उसके बाद उनकी आंखों से आंसू बहने लगे. इसलिए बहने लगे थे क्योंकि वो उस चस्किट के लिए इतना सारा हार्ड वर्क कर रहे थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे. बट द इवनिंग द वर्क वॉज द डन, ऑल द चिल्ड्रंस वेयर द हैप्पी, बट द हैप्पीनेस ऑफ द ऑफ ऑल वॉज चस्किट्स. हर ड्रीम वॉज अबाउट टू द कम ट्रू. मतलब उसका जो सपना था, चस्किट का सपना था, अब सभी के हार्ड वर्क से पूरा हो गया था. अब वो सभी बहुत खुश थे क्योंकि अब जो चस्किट थी वो स्कूल आ सकती थी. एंड टुडे इट वॉज दैट द स्पेशल डे. चस्किट वॉज ऑलरेडी, शी वॉज द एंगर टू गो टू स्कूल. अब जो चस्किट थी वो अब स्कूल तक पहुँच सकती थी, उसका रास्ता क्लियर हो गया था. अब वो रोजाना स्कूल जाएगी, इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी. थैंक यू. चैप्टर नंबर 27 चस्किट गोज टू स्कूल. इसकी वर्कशीट देखेंगे अब हम. मीनिंग, वर्ड्स प्रोनाउंस एंड हिंदी मीनिंग. लेक, लेक इट मीन्स झील. क्लाइंब, क्लाइंब मीन्स चढ़ना. आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ. एक्साइट, एक्साइट मीन्स जोशीला. पॉसिबल, पॉसिबल मीन्स संभव. व्हील्स, व्हील्स मतलब पहिए. डिफरेंट, डिफरेंट का अर्थ होता है अलग. बर्थ, बर्थ मीन्स जन्म. क्विकली, जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, हु हेल्प द चुस्की. चुस्की की जो हेल्प थी वो किसने की थी? मदर, फादर या चिल्ड्रन? तो चिल्ड्रंस ने की थी. सेकेंड, वेयर डिड द चस्किट्स लिव? मनाली, लेक नेपाल, लद्दाख नेपाल. तो चस्किट जो थी वो लद्दाख में रहती थी. वेयर इज द लद्दाख? कर्नाटक, केरला, कश्मीर. तो लद्दाख जो कहाँ पर है? कश्मीर में. हाउ ओल्ड इज द चस्किट्स? 9 years, 10 years एंड 7 years. चस्किट जो थी वो कितने ईयर्स ओल्ड थी? 10 years ओल्ड. विच थिंग्स गेव अम्माले एंड अब्बाले टू एवरी वन? फर्स्ट, ए हॉट टी एंड बिस्किट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, टॉय एंड बुक्स. बच्चों के लिए जो थे अम्माले और अब्बाले क्या लेकर आए थे? हॉट टी एंड बिस्किट्स. क्वेश्चन नंबर 2 है, मेज द फॉलोइंग. ए में दिया है यूएसए, यूएसए, इंग्लैंड, चाइना. अब यहाँ की जो मनी है वो है यूएसए की है डॉलर, यूएसए की है दिरहम, इंग्लैंड की है पाउंड और चाइना की है युआन. क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट दिया है चस्किट्स वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रंस. चस्किट जो थी वो दूसरे बच्चों से अलग थी, तो ट्रू. सेकेंड है चस्किट्स मेड द बेस्ट ड्राइंग. चस्किट जो थी वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती थी, ट्रू. थर्ड है चस्किट्स कुड नॉट वॉक हर लेग, ट्रू. फोर्थ है चस्किट्स डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, फॉल्स. फिफ्थ है चस्किट्स स्कूल इज वेरी फॉर फ्रॉम हर हाउस, फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 2, वेरी शॉर्ट आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डू यू गो टू स्कूल. तो आंसर इज बाय ऑटो रिक्शा. आप जो है स्कूल किससे जाते हैं? तो ऑटो रिक्शा से. सेकेंड इज
Would you like it if you never could go to school? No. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु ऑल हेल्प चस्किड्स टू रीच द स्कूल? बच्चों ने मदद की थी चस्किड्स के स्कूल जाने में, तो आंसर इज चस्किड्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, डू यू हैव अ रैंप इन योर स्कूल ऑन व्हील विच? तो आंसर इज यस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इफ यू आर वेरी वेयर अब्दुल व्हाट वुड यू हैव डन? तो आंसर इज जस्ट दैट द अब्दुल हैज डन। क्वेश्चन नंबर ई है शॉर्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड आउट वेयर द लद्दाख इज, व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस इज इट? आंसर इज लद्दाख इज द कश्मीर, इट इज अ वेरी कोल्ड प्लेस। लद्दाख जो है वो कश्मीर में है और ये बहुत ही ठंडी जगह है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एट द फर्स्ट संस्कृत डिड नॉट नाउ दैट द शी वॉज द डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रंस बट स्लोली शी फाउंड दैट शी कुड नॉट डू द थिंग्स अदर चिल्ड्रंस कुड वाय। आंसर इज इट वॉज बिकॉज ऑफ हर लेग्स सिंस शी वॉज द बॉर्न चस्किट कुड नॉट यूज हर लेग। जो चस्किट जो थी वो शुरू से ही बचपन से ही उसके पैरों से चलने में असमर्थ थी और वो ठीक से चल नहीं पाती थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वॉट आर द थिंग्स दैट यू एन्जॉय डूइंग इन स्कूल? तो आंसर इज आई एन्जॉय रीडिंग राइटिंग पेंटिंग विच आई डू इन द क्लास। बट आप जो है वो किस चीज़ से स्कूल में एंजॉय करते हैं, तो वहाँ पे पढ़कर लिखकर और पेंटिंग कर हम लोग अपने स्कूल में एंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, एट द लास्ट चस्किड्स कुड रीच स्कूल डू यू थिंक दैट शी मे फेस some difficulties in the schools? What kind of difficulties? If you are very Chaskid's friends, how would you help her? So answer is, she will have difficulty in moving from the place to place, sitting on the benches from her chair, etc. I will the help her in the moving. Question number second is, do you now any children's near your house who cannot go to schools because of the some difficulties? Would you like to help such as children's? How will you help? So answer is yes, there is the one blind children's in my neighborhoods. I would like to help him to go to blind school. उसके घर के पास में एक, आपके घर के पास में कोई बच्चा है जो कि जिसकी आपने कभी मदद की है? तो यहाँ हाँ है, वो बच्चा ब्लाइंड है और उसके घर के पड़ोस में रहता है और वो ब्लाइंड स्कूल में जाता है, तो उसकी मदद उसने की थी। थैंक यू। ये सारे क्वेश्चंस आपको आपकी कॉपी में नोट करना है।